हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपकी मोनिका। तो फ्रेंड्स, आज है जीतिया, मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से जीतिया के हार्दिक शुभकामना। सबके बच्चे स्वस्थ रहे, खुशमय रहें। आइए, है मेरी बेटी, मैं इसके लिए की हूँ जीतिया। पूरा निर्जला व्रत है मेरा। मैं कल अभी शाम हो गए हैं, देख सकते हैं आपने मोच चुका लिए से सब लोग आप शाम को 6:30 बज रहा है और मैं नहा वगैरह के देख सकते हैं रेडी हो गई हूँ। और अभी करने वाले हैं पूजा। इसमें कुछ खास ऐसा पूजा होता नहीं है, सिर्फ जो भी है जीतिया चढ़ाना रहता है बस। तो फ्रेंड्स, मैं अभी करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फैमिली, अभी हम करने जा रहे हैं पूजा। तो पहले जो भी पूजा होता है घर का, देवी देवता का, मतलब जो मैं करती हूँ डेली, वैसे कर ले रही हूँ पूजा भगवान जी का, दुर्गा माँ का। और मैं तुलसी जी का पूजा कर ली थी जल्दी ही, क्योंकि अंधेरा होने के बाद नहीं हो पाता, अंधेरा हो जाता है इसलिए। तो मैं जैसे करती हूँ, प्रसाद भोग वगैरह लगा दी, दिया अगरबत्ती जला कर, उसके बाद मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया। तो मैं फिर वो जीतिया का पूजा करने जा रही थी, उसमें भोले शंकर का मैं करती हूँ। तो मैं थोड़ा उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम लोग मैं कुछ भी फास्ट रखती हूँ तो उससे पहले बड़े का, मम्मी का, चाहे सास का, सबको मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो मैं दिन में नहीं कॉल कर पाई, तो शाम को कॉल की थी, इनको बोली लगाई है। तो देखिए, मैं शंकर भगवान और जीतिया का किताब है मेरे पास, जीवित पुत्री का व्रत का। तो उस पर मैं कुछ नहीं, टीका, फूल और अगरबत्ती, धूप, प्रसाद। इसमें ऐसा कुछ खास पूजा होता नहीं है, कलश बैठाना रहता है, उसके ऊपर कुछ मिश्री का और मावा का प्रसाद रख के, फ्रूट्स रख, उस पर मैं जीतिया में थोड़ा सा टीका लगा कर, हल्दी कुमकुम, और मैं रख दी थी। और कलश में भी थोड़ा सा चावल और सिंदूर, अक्षत। और उसमें बाद मैं जीवित पुत्री का व्रत का मेरे पास किताब है, मैं मोबाइल से नहीं पढ़ती हूँ, मैं खुद ही पढ़ ली थी फ्रेंड्स। सब प्रकार के आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्री को चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करेगी। उसके बाद भगवान से बस यही मांग रही हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे, हर माँ स्वस्थ रहे, कि अपनी बेटी के लिए व्रत करती रहे जन्मों जन्मों तक। और वो मेरा पूजा हो गया, देखिए मैं भगवान जी के भोले शंकर और जीवित पुत्री का व्रत का, वही फ्रूट्स, चना इसमें ज़रूरी रहता है। और ये देखिए, मैं अपनी बेटी मेरी स्टडी कर रही थी तो मैं उसको टीका लगा दे रही हूँ। जीतिया मेरे यहाँ सुबह में उतार के उसको मेरा पूजा पहनाऊंगी। हो गया और आप सबको जी पुत्री का व्रत की शुभकामनाएं। सबका बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही कामना करती फ्रेंड्स। देखिए, मेरा पूजा हो गया और मैं किताब भी पढ़ ली अभी, बहुत अच्छा कहानी था। तो उठूँगी 4 बजे, नहीं तो और उससे भी पहले नींद जब खुल जाए। ऐसे तो नींद तो आएगा नहीं, पानी वानी तो पीना कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आपसे मिलूँगी। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए शंकर भगवान। और मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ जैसे मुझे आता है। उसके बाद फ्रेंड्स, कल का तैयारी तैयारी मैं आज से ही कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद 8 बजे गया था तो मुझे टाइम था। तो मैं अपने हस्बैंड को उठा के लाई, मेरी बेटी स्टडी कर रही थी तो उनके उसके पास ही बैठे हुए थे। तो क्योंकि सुबह में वो उठ नहीं पाएंगे जल्दी, तो मैं यहाँ पे झींगा बोलते हैं ना इसको, उसको मैं, इसका सब्जी तुरई का बनता ही है। और ये है सूरन, कहीं ओल बोलते हैं बिहार साइड में हम लोग, ये सूरन है। इसको मतलब हाथ नोचने नोचने लगता है अगर ऐसे बिना प्लास्टिक बांधे काटेंगे तो। मेरी सासू माँ तो तेल लगा कर कर लेती थी, लेकिन मेरे से तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे हस्बैंड बेचारे कर दे रहे हैं, वो बोल भी रहे थे कि आज तक मेरी मम्मी नहीं कभी करवाई, तुम करवा रही हो। मैं बोली कोई बात नहीं, कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसका सब्जी भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कुसी केराव जो है, इसको जो निगलती हूँ, ये मैं रात को ही भिगो दे रही हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी तो सुबह नहीं हो पाता। तो जो जो मुझे लग रहा है मैं कर ले रही हूँ। और साग था वो सब मैं तोड़ ले रही थी, सब्जी वगैरह कट करके फ्रिज में रख दी थी, मसाला वगैरह, क्योंकि किसी को, सब सोए रहते हैं, 4 बजे मैं मिक्सर चलाऊँगी तो आवाज़ आता है ना इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं, मेरी बहन का फ़ोन आया था तो मेरी बेटी दी थी मुझे बात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं चना और चावल को पकौड़ी के लिए मैं फुलाकर ही पकौड़ी बनाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने सूरन को काट दिए, ये चना को भवरा के लिए मैं बनाई हूँ। और ये है आटा, मरुई मड़ुआ का बोलते इधर, नाचनी नागली का, सॉरी नाचनी बोल रही, नागली का। ये हो गया फ्रेंड्स सुबह। और मैं वहीं भगवान जी के पास सब जो जो मैंने गलती हूँ चढ़ा दी थी,
नोनी का साग और केराव सबको मैं ले रही हूँ। सुबह में मैं उठ गई थी 4 बजे, और पहले जाके ऊपर छत पर देना रहता है जो जो मैं निगलूँगी वो, और एक कच्चा दूध से मैं निगलूँगी ऊपर में। तो मैं ऐसे पानी से दे दी थी, मतलब कहीं भी ऊपर में रख दीजिए, तो मेरा जीना है उसके ऊपर मैं रख दी थी। अरे हाँ, मैं कच्चा दूध ऊपर से खाली पेट में कच्चा दूध पीने के बाद अजीब वोमिटिंग जैसा लग रहा था। बुक में अगर किताब आप पढ़े होगे तो मुझे मालूम होगा, इसमें जो चिल्लो थी वो दूध से ही पारण की थी गौशाले में जाकर, जो सियारनी थी जो मांस खाई थी उसके वजह से उसका बेटा जीवित नहीं रहता था, तो इसीलिए मतलब उसी समय से कच्चा दूध से पारण करना रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं चाय पी लूँगी और इधर तैयारी भी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सबको दीजिए, मेरा जितिया का पारण हो गया फ्रेंड्स, अभी बज गया है 6। तो मैं सोची अभी पारण करने के बाद खाना बनाने में तो टाइम लगेगा, और मेरी बेटी का स्कूल है, तो मैं जब तक चाय पी लेती हूँ तो सोची पहले चाय वगैरह पी के थोड़ा सा एनर्जी ले लेती हूँ फिर। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा 10 मिनट आराम की थी, क्योंकि थोड़ा सा क्या था, डायरेक्ट आप पानी चाहे कुछ भी पीते हैं तो अजीब लगता है, फील होता है, क्योंकि 36 घंटा हो जाता है बिना पानी का। इधर तो ये महीना में मत कहिए, भादों में तो लगातार फेस्टिवल चल रहा है, पहले वो की जन्माष्टमी की, फिर तीज की, फिर जितिया की, फिर तुरंत 9 दिन का मेरा नवरात्रा फास्ट रहेगा फल पे, उसके बाद फिर करवा चौथ आएगा, फिर तुलसी विवाह आएगा। तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि लगा रहे हो फास्टिंग में, मुझे लेकिन अच्छा लगता है फास्ट करना फ्रेंड्स। तो उधर मैं देखिए अरबी का सब्जी में बना ली, एक तरफ कुकर में मैं वो झोर बना रही हूँ, हम लोग बोलते हैं कुसी केराव का झोर, आज बहुत ज़रूरी रहता है। इधर मैं भबरा बना रही हूँ चने का, इसको भबरा चाहे बचका जो भी बोल सकते हैं, मेरी बेटी को उसको पसंद है तो इसलिए मैं बना रही थी, उसको स्कूल भी जाना था तो पहले मैं बनाकर निकालते जा रही थी, क्योंकि वो तो उसको स्कूल 7 बजे था, तो मुझे बनाने में तो बहुत टाइम लगता, तो जो जो मुझे उसको लग रहा था कि उसको पसंद है। देखिए छीटा भी बहुत चना क्या हो रहा था, वो फट रहा था, इसके वजह से मुझे कहीं फेस पे लग भी गया था, तो मैं डर के थोड़ा देर हट गई मैं, लेकिन उसके बाद फिर बनाना ही था। तो मेरा ऐसे ही बीच बीच में तैयारी भी चल रहा था, मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्या क्या मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज रेसिपी अगर शेयर करने लगूँगी बहुत कुछ बनाई थी तो उतना ब्लॉग भी लंबा होता और एनर्जी भी उतना नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कभी और करूँगी। इसके बाद मैं लौकी और आलू दोनों का मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये सब आज बचका बुचकी ये सब बनता है। उसके बाद मेरी बेटी उस देखिए यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही थी, नहा वगैरह के आ गई है, तो मैं उसको प्रणाम करा रही हूँ। और जो जितिया बोलते हैं, तो मैं सोना का जितिया तो अभी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि हमेशा मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो इसके वजह से यहाँ पे कोई जानते भी नहीं कि जितिया का होता है, लेकिन मैं कभी सोच रही हूँ कि बिहार जाऊँगी तो वहाँ पे बनाऊँगी। तो देखिए मेरी बेटी मुझे भी टीका लगा दे रही है और उसको मैं पहना दूँगी, क्योंकि फिर वह स्कूल जाएगी तो फिर भूल जाते, तो मैं किचन में लग जाती तो ध्यान नहीं जाता, तो पहले मैं उसको प्रसाद वगैरह दे रही हूँ। सो फैमिली, इधर देखिए मेरा आलू का बचका हो गया और बहुत ही टेस्टी बनता है दाल चावल पे, तो मेरे यहाँ ऐसा ही पसंद आता है, एक छोटा छोटा काट कर भी बनता है। तो मैं बनाने के बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, अभी भी बहुत कुछ बाकी था, तो उसको पहले मैं आराम से स्कूल भेज दी कुछ खिला पिला के, क्योंकि फिर नहीं हो पाता अगर उसको नहीं देखती, तो मेरे हस्बैंड भी बीच बीच में ध्यान रख रहे थे। और मैं अब शेयर कर रही हूँ आज अरबी का, क्योंकि सोची अरबी का मैं नहीं कभी की हूँ सब्ज़ी शेयर, तो इसमें देखिए मैं थोड़ा इसमें प्याज ज़्यादा पड़ता है, जैसे चिकन मटन में कैसे पड़ता है उस तरह से। और इसमें मैं मसाले में डाल दे रही हूँ जीरा पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का और टमाटो 2। अरबी को मैं पहले से ही रात को धोकर जितना अच्छा सूखा रहेगा अरबी उतना मुँह नहीं मतलब खाँचता है, तो इसलिए मैं अरबी को पहले तेल में अच्छे से फ्राई कर ली थी, उसके बाद मैं मसाले में डालकर मिक्स कर और इसमें गरम मसाला डाल दे रही हूँ 1 चम्मच, उससे टेस्ट अच्छा आता है और बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बना था। थोड़ा सा तो नोचता ही है मुँह, क्योंकि कैसे भी बना, इसमें मैं लास्ट में चाट मसाला भी डाली थी, आप चाहे तो अचार भी किसी चीज़ का आम का डाल सकते हैं, क्योंकि खट्टा से नहीं उतना नोच पाता, ये बिल्कुल देसी था इसलिए नोच रहा है, क्योंकि ज़मीन से निकला हो। मेरे ससुर मैं आ रही थी तो मैं ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि क्या क्या दिए हैं, उसी समय इसीलिए मंगाई थी तीज के जितिया के लिए ही, आधा मैं बनाई हूँ आधा मैं वो दिवाली में ज़रूरी बनता है तो मैं दिवाली के लिए रहने दी हूँ। तो मेरा बन गया है सब्जी फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और बचका वगैरह सब हो गया है।
खाना बनने के बाद मेरा घर का तो हालत ऐसा हो गया था कि मत कहिए। तो मैं देखिए गर्म पानी करके पूरा खौलता हुआ और थोड़ा ठंडा मिक्स करके मैं अच्छे से घर को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इतना 2-3 दिन से खाना बन रहा था और मैं डेली पोछा कर रही थी फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, चिपचिप बिल्कुल तेल तेल ऑयली ऑयली। तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, पहले मैं खाई नहीं उसके बाद मैं क्लीन की हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है। देखिए गैस वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ। अरे मैं दिखा रही हूँ अरवी का सब्ज़ी, वो झोर था ये बचका, देखिए चना लौकी या अरवी का सब्जी है, ये झींगा का सब्जी चना डालकर बनाई थी, और ये थोड़ा सा साग था क्योंकि वो गल जाता है ना वो नोनी का साग। ये देखिए मेरा झोर बहुत ही टेस्टी बना था, तो सब मैं पहले निकाल ले रही हूँ और पहले जाऊँगी ऊपर में चिल्हो सियारनी को देने, और उसके बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि घर वगैरह क्लीन हो ही गया था। तो फिर खाने के बाद थोड़ा आराम की थी मैं, सब जो जो बनाई थी मैं निकाल लेती हूँ। यह है मेरा जीना, तो देखे ही होंगे। तो पहले वो कोई इसको झींगा के पत्ता पर देते हैं, लेकिन वो नहीं था, तो वो क्या घर मेरा केला था ही, तो केले के पत्ते ही मैं तोड़ ले रही हूँ, उसी पे मैं रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, लगातार 3 महीना से मतलब बारिश हो ही नहीं रहा, मतलब छूट ही नहीं रहा है, और इधर तो 15 दिन से मतलब बिल्कुल नहीं छूट रहा है, कपड़ा तो मतलब सूखने के बिल्कुल नहीं, देख रहे हैं बादल कैसा काला दिख रहा होगा, हर जगह पानी पानी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मैं उनके बड़े बड़े बुजुर्ग के नाम से जो भी चिलो चिलान सबके नाम से मैं रख दे रही हूँ खाने को केले के पत्ते पर, और उसके बाद मैं उनको रख कर प्रणाम कर लेती हूँ उनके नाम लेकर, मतलब वैसे ही मुझे जैसे मतलब बात करती हूँ तो बताती हैं मम्मी लोग वैसे ही, उसके बाद मैं खाऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आई, उसके बाद मैं खा रही हूँ मड़ुआ की रोटी अरवी के सब्जी के साथ, मतलब कंदा का सब्जी, तो कंदा का सब्जी तो यही है ना अरवी, तो उसके साथ ही पारण किया जाता है। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, फिर देखिए मैं खाना निकाल ली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाना था तो फिर हम लोग साथ में ही खा लिए, अगर वो चले जाते तब तो मैं खाती अकेले ही, तो देखिए। और सो फ्रेंड्स, खाना बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड मैं पूछ रही हूँ तो हाथ दिखा रहे हैं कि बहुत टेस्टी, कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकते कि नहीं बना है, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है छठ हो चाहे कुछ भी ऐसा फेस्टिवल का खाना, आप लोग अगर गेस किए होंगे तो पता होगा, अगर बनाएंगे ना तो खाना अलग ही स्वाद में आता है, कैसे भी जल्दी में बनाइए कुछ भी बनाइए। तो देखिए मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फैमिली, अभी देखिए हम आ गए हैं, खाना वगैरह सब हो गया और सब जो करना रहता है सब कर लिए, घर वगैरह क्लीन क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था किस खाना बनाने के बाद। उसके बाद मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी चले गए हैं, मैं बैठी हूँ थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि नहीं कुछ पानी वानी ली नहीं थी ना, मतलब हो गया था 24 घंटा से ऊपर हो गया जो हो जाता है 30 घंटा, तो उसके वजह से मुझे अजीब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी होता है टॉयलेट वगैरह में वो करने में, क्योंकि वो पानी तो ज़रूरी है शरीर के लिए, तो थोड़ा मैं आराम करूँगी। और ऐसा रहता है फेस्टिवल वगैरह की उठकर बनाना भी उतना ही खाना, 10 तरह का मेरा खाना हो गया सब मैं बनाई, सुबह से उठी हूँ 4 बजे से, सोची थी कि और 2:30-3 बजे उठूँगी लेकिन नहीं हो पाया, रात को भी मैं लेट से सोई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं सोची आप लोग से बात थोड़ा कर लेती हूँ, तो आज मेरा जितिया का जीवित पुत्री का व्रत का पूजा हो गया इस साल का, अब भगवान करे ऐसे ही मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा करती रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। फ्रेंड्स सब माँ ऐसे स्वस्थ रहें, क्योंकि सब अपनी माँ अपने बच्चे के लिए स्वस्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए करती रहें जीवित पुत्री का व्रत, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे के लिए कुछ भी करना, हस्बैंड के लिए तो करते ही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग देखने के लिए मिले, और के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू और बाय बाय।